इस कार्यक्रम के पुण्य अर्चक हैं जयोदय अतिशय क्षेत्र ईश्वरवारा जिला सागर मध्य प्रदेश। धर्मधरा मध्य प्रदेश के सागर जिला में स्थित श्री जयोदय तीर्थ ईश्वरवारा, जहां लगभग 900 वर्ष प्राचीन अतिशयकारी प्रतिमाएं विराजमान है, यही वह पावन धरा है जहां परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज का जन्म हुआ है। जयोदय तीर्थ पर विराजमान भगवान की खड़गासन प्रतिमाओं का प्रतिदिन अभिषेक एवं शांति धारा होता है। इसी के साथ ब्रह्मचारी गौतम भैया के मार्गदर्शन में यहां असीम कालीन भक्तामर विधान भी किया जा रहा है। यहां आने वाले भक्त प्रतिमाओं के दर्शन करने से सुख शांति एवं समृद्धि को प्राप्त करते हैं। जिंदगी में किसी से कोई सलाह नहीं ली, किसी मार्ग पर जाते समय मैंने किसी से परामर्श नहीं किया, मैं किसी से सलाह ली भी नहीं। मोक्ष मार्ग पर भी गया तब भी किसी से परामर्श नहीं किया। मात मेरे परामर्श दाता कोई है तो ये शांति कुंठ अरयनाथ भगवान। इनके सामने जब भी नौ बार नमोकार मंत्र पढ़ता था और जो भाव आता था वही कर बैठता था और सफलता आज तक मिलती आई कभी मिली। इसलिए अशोक जी से मैंने कहा था, मैंने कहा मेरे से मत पूछो, इस मंदिर का नियम मत तोड़ो। इस भूमि का नियम है कि यहाँ किसी से पूछने की जरूरत नहीं, नौ बार नमोकार मंत्र पढ़ो, जो भाव आ जाए वही सत्य है और वही सीख। कभी भी हमेशा इनका पूछ करके ही बोलते, मैंने कि बस दो तीन बार तो ओंठ हिले लेकिन शांतिनाथ कहते चुप चुप बैठ। कभी बार बार पूछ रहे थे, बोले महाराज जी मैं पूछ रहा हूं, कमेटी वाले थोड़ी पूरा, तो मैं तुरंत शांतिनाथ भगवान से पूछ रहा था कि भगवान क्या करूं, दबाव ज्यादा पड़ रहा है। तो शांतिनाथ भगवान ने कहा चुप, तुम बोलो हम चुप पे जाओ। ये बहुत बड़ी चीज है, बहुत शक्ति इस क्षेत्र की है। मूर्तियों से भी बहुत शक्तिमान यहाँ की माटी है, यहाँ का क्षेत्र है, यहाँ की भूमि है। पाणा साहेब ने जब इतनी बड़ी स्थिति समझ करके, राजस्थान से उनका व्यापार था और वो यहाँ लाकर के अपने रास्तों में जिन जिन रास्तों से वो गुजरे वहीं वहीं जिनबिंब स्थापित करते गए। जब उन्होंने इस भूमि को चुना होगा सैकड़ों साल पहले, तभी उस भूमि ने अपनी एक ऐसी एनर्जी, समय समय पर उतार चढ़ाव होते हैं, आज इस भूमि का जो सैकड़ों साल पहले एनर्जी को शुरुआत की गई थी आज वह रोशनी बनकर के दुनिया के बीच में आएगी। और ये भी कहता हूँ मेरे बिना बोले ही यह विश्व का बहुत बड़ा तीर्थ क्षेत्र बनेगा। इस क्षेत्र की यही अतिशय होगा कि सारे दुनिया के क्षेत्र तो बोलने के बाद बनेंगे, बनते हैं, ये क्षेत्र मेरे बिना बोले बनेगा ऐसी मुझे उम्मीद। जयोदय अतिशय सुरबारा में बहुत ही कम योजनाएं बची हैं, सिर्फ 2,11,000 रुपए की राशि में सहस्कूट की योजना है, 1,11,000 में स्वर्ण कमल की योजना है। बहुत सारी योजनाएं यहाँ पर फुल हो चुकी हैं, बहुत सारे श्रावक श्रेष्ठ यहाँ पर आते हैं, वह बोलते हैं जब गुरुजी बोलेंगे तब करेंगे। तो देखो गुरुजी अब इस क्षेत्र के बारे में, अपनी जन्मस्थली के बारे में कभी नहीं बोलेंगे, क्योंकि एक बहुत बड़े महान साधक हैं और किसी का हमें गुणानुवाद करना हो, किसी की भक्ति करना हो, किसी के उपकारों को चुकाना हो तो उनसे पूछकर नहीं चुकाए जाते, हमें अपने आप ही करना पड़ते हैं। हमारा पूरे भारत देश की जैन समाज से कहना है, यहाँ तक कि जो भारत देश के बाहर हैं उन सभी से कहना है, पूज्य गुरुदेव ने जो उपकार किए हैं
पूज्य सदासागर महाराज जी ने जो उपकार किए हैं, चाहे शिविर के माध्यम से हों, चाहे जिज्ञासा समाधान के माध्यम से हों, चाहे प्रवचन के माध्यम से हों, चाहे शांति धारा के माध्यम से हों, चाहे जगह जगह क्षेत्र बना रहे हैं उसके माध्यम से हों, किसी के भी द्वारा, किसी के भी जीवन में पूज्य गुरुदेव के द्वारा जो उपकार हुए हैं, उन उपकारों को आप कभी चुका तो नहीं सकते, लेकिन आप इस क्षेत्र पर पूज्य गुरुदेव की जन्मस्थली में पूज्य गुरुदेव के बिना बोले ही कम से कम एक प्रतिमा विराजमान कर सकते हैं। 1008 प्रतिमाएँ सहस्त्रकूट में विराजमान हो रही हैं, जिसकी राशि 2,11,000 रुपये हैं। स्वर्ण कमल यहाँ पर स्थापित हो रहे हैं। बहुत ही कम योजनाएं हैं। आप चाहें पूरे शहर के शहर से प्रतिमाओं में नाम यहाँ पर आए और सभी लोग उसका सौभाग्य लें, यही हमारी भावना है। क्योंकि देखो यहाँ सारी योजनाएं फुल होने वाली हैं, आप सभी को सौभाग्य लेना है तो आप जिनवाणी चैनल के माध्यम से जो भी नंबर चल रहे हैं उन पर फोन करें और यहाँ की सौभाग्य जरूर लें। बोलिए जी दो संग जिनवाणी माता की जय। ह्रीं श्रीं क्लीं मैं महं बं मं हं सं तं पं बं बं मं मं हं हं सं सं तं तं झं झं झीं झीं छीं छीं दं दं दीं दीं दव दव नमोते भगवते श्रीमते ओं ह्रीं कुं मं पापं खंड खंड जय जय दय दय पच पच पाचय पाचय ओं नमो अर्हं झं झीं छीं हं सं झं बं हाय सा चां छीं चूं चें छें छें छं छं छा छ्रीं राम ह्रीं 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 ह्रा ह्रां द्यां दीं द्यावय द्यावय नमोदते भगवते श्रीमते ठाठा सर्वेषां सन्तसमण्याचार्य विद्यासागर मुनन्दयादुगातं निरापक्षमण मुनिश्रीसुधासागर मुनन्दयादुगातं समस्तसाधुसङ्गानाम् आदुगतं श्रीरस्तु वैद्यरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शान्तिरस्तु कान्तिरस्तु कल्याणमस्तु स्वाहा एवम् अस्माकं कार्यस्य दास सर्वविघ्ननिवारणाय श्रीमद्भगवत् अनन्तसर्वकपरमेष्ठी परमप्रत्याय नमो नमः सर्वेषां श्री शांति भट्टारक पाद पद प्रसादा सधर्म श्री बलाई आरोग्य अभिवृद्धिरस्तु सधर्म स्वस्य पश्यस्य वर्गा प्रसिदन्तु न ओम विश्वाधाय श्री वर्तमान पर्यंतो अंतो भगवंता सर्वगा परमंगलाम धेया सर्वेषां अहमुत सिद्धिं तन्मन्तु सधर्म कार्येषु अहमुत च सिद्धिं तिक्षन्तु न समस्त शांति धारा करने वाले कराने वाले निमोदन करने वाले देखने वाले सुनने वाले समस्त भव्य जीवानाम गिरदा परिवार अर्पित जी सुशील जी सुकृति जी आशा जी दीपक जी टीकमगढ़ वाला परिवार सापरिवारस रंजीला जी रमेश चंद जी जबलपुर वाला परिवार सापरिवारस गौरव जी पाटनी पवित जी हेमंत जी अशोक जी पापड़ी वाल इंद्र चंद जी संतोष जी संतोष देवी जी पाटनी किशनगढ़ सापरिवारस डॉक्टर अर्पण जी चौधरी इंदौर जन्मदिवस शुभ अवसर अभी सापरिवारस सुमत जी यानी अबका जी अनिकेत जी साहिल जी राजी जन्मदिवस सु अवसरे अपि ईश्वर बारा वाला परिवार सागर सापरिवार स्वर्गीय सुभाष चंद जी की स्मृति में मुकेश जी रुचि जी दिनेश जी मीना जी आर्यन जी आदि जी खुशी जी डुग्गू जी हवेली वाली साडोड़ा मुकेश जी स्वास्थ्यवर्तम समस्त भवजीवनम व्याधिम घनेन्तो व्याधिम घनेन्तो व्याधिम घनेन्तो आज के असीम कालीन भक्तावर विधानकर्ता परिवार स्वर्गीय श्रीमती मोनिका जी महतिया की स्मृति में संजय जी महतिया संजय स्टील अजमेर वाला परिवार शुभम जी पाक्षी जी अजमेर राजस्थान सापरिवार मंगल हो तो संभोजी खानम प्रतिपाली खानम यतीन्द्र सामन तपोधनानम देश राष्ट्र से पुरस्ते राज्ञा करो तो शांति भगवान जी ने इंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे जयोदय अतिशय क्षेत्र ईश्वरवाड़ा जिला सागर मध्य प्रदेश।